अरे विशु कैसे यहाँ कैसे बैठा है तू, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, पैर में दर्द हो रहा बहुत तेज। पैर में दर्द हो रहा है? ऐसे कैसे पैर में दर्द हो रहा है? अब तेरे को यही नहीं पता? नहीं, चल कोई नहीं, मैं हूं ना। और वर्कआउट वगैरह सब ठीक से हो रहा है? नहीं, अब ये भी नहीं हो पता। डाइट वगैरह का भी नहीं पता होगा तेरे को? नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को ऐसी ऐसी गलती बताऊंगा, ये गलती कभी भी मत करियो आगे से। अगर करेगा तेरी रनिंग में आज तक क्या कभी भी इन फ्यूचर कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, मेरे से भले लिख के ले ले। और तू इन गलती को अगर नहीं दोहराएगा ना तो तेरा 100% बहुत जल्द इम्प्रूवमेंट आना है, बहुत जल्दी। तो सुनेगा ये बात? अभी बताओ। चल तो बताता हूँ। देखा आप सभी ने विशु ने क्या गलती करी, आपको समझ नहीं आएगा, पर ऐसी गलती बताने वाला हूँ जो आपको नहीं करनी। अगर रनिंग में ही गलती करोगे ना, कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाला, कभी भी, ध्यान रखना। और ये गलती अगर आप नहीं करोगे तो 100% इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये गलती आज के बाद मत दोहराना, अगर ये गलती आज से ही बंद कर दो, अगर ये गलती करते हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गलती क्या होती है, हम सोचते हैं वर्कआउट करना मतलब ये है कि पूरी जान लगाना, पूरी जी जान से करना, वो सबसे बड़ी गलती होती है। यही विशु ने गलती करी थी। वो क्या करता था, मैं देखता था उसे डेली की भाई वो वर्कआउट अच्छे से कर रहा है, पर बहुत हार्ड वर्कआउट कर रहा था। इतना कर रहा था कि उसकी कैपेसिटी से भी 10 गुना एक्स्ट्रा कर रहा था। कैपेसिटी उसकी 1 किलोमीटर की, वो लगा रहा था 20-20 किलोमीटर। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी गलती है। आप एक रूटीन बनाओ कि भाई मेरी इतनी कैपेसिटी है तो मैं इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखूंगा और मैं इतनी स्पीड बढ़ाऊंगा और इतने वो करूंगा। सबसे पहली बड़ी गलती तो यही है। अगर ये नहीं दोहराओगे, अगर ये बार बार दोहराओगे तो 100% आपका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इंप्रूवमेंट ही नहीं आएगा। अब यहाँ पे इसी गलती का एक और दूसरा रूप है, वो है कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ वर्कआउट। क्या होता है, हमारे पैरों में जान होती नहीं। अब सबके पेन चल रही होगी, सबन की दिक्कत चल रही होगी, और सब क्या सोचते हैं, अरे दर्द की ऐसी तैसी, भागते रहो, दबा के स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, दबा के वर्कआउट करो। यही सबसे बड़ी गलती है। पहले ना, अगर आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो या रनिंग करते हो तो पैरों में, हाथों में, पेट पे, कोर एक्सरसाइज, थाई, हैमस्ट्रिंग, इनमें ताकत डालो। इनमें ताकत नहीं डालो, अभी ताकत कैसे डलेगी, एक्सरसाइज करने से, स्क्वाट्स हो गया, लॉन्ग रनिंग करने से, ठीक है, धीरे धीरे स्टेयर रनिंग करने से, ठीक है, और कुछ भी, मतलब जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो पैरों को मजबूत करें, बहुत सारी हैं यार, ठीक है। तो इस वीडियो में बस गलती कवर कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं समझा। ये गलती अगर आप करोगे, अगर अभी से ये गलती कर रहे हो कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बस लॉन्ग रनिंग दबा के कर रहे हो, छोड़ दो बीसी, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज चालू करो, पावर बनाओ पहले। अब यही पे इसकी गलती क्या है, इसका फिजिकल नज़दीक है, ठीक है, आपका भी नज़दीक होगा क्या पता। तो आप क्या गलती कर रहे होंगे, लॉन्ग रनिंग कर रहे होंगे, ये इसका ही तीसरा रूप है, लॉन्ग रनिंग कर रहे होंगे, पर यही सबसे बड़ी गलती है, स्पीड वर्कआउट करो, ठीक है, लॉन्ग रनिंग छोड़ दो, पैरों में दर्द बनेगा और ज़्यादा, स्पीड वर्कआउट करो, मीडियम स्पीड वर्कआउट करो, ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा हाई, और कोशिश करो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज मिक्स करके, दोनों चीज़ मिक्स कर लो, 100% रिजल्ट मिलेगा। अब इसी की यहाँ पे चौथी गलती क्या थी, न्यूट्रिशन ना लेना। मैं इसको देखता रहता हूँ, ये वर्कआउट करके यहीं बैठा रहेगा या घूमने चले जाएगा। सबसे बड़ी गलती है, घर जाओ, खाओ पियो, डाइट लो, या वरना ग्राउंड में आते हो ना, ग्राउंड में आते ही आपको कुछ ना कुछ खाना है, ठीक है, मतलब वर्कआउट होते ही कुछ ना कुछ जरूर खाना है। नहीं खाओगे तो भाई कैसे इंप्रूवमेंट आएगा यार, ये बताओ। बॉडी में एक बात भरोगे, गाड़ी तुम चला रहे हो, फ्यूल उसका यूज़ हो रहा है, क्या गाड़ी में फ्यूल नहीं भरोगे? ऐसे ही आपको जो है बॉडी में फ्यूल भरना ही पड़ेगा, वो न्यूट्रिशन से आएगा, ध्यान रखना। अब ये गलती यहाँ पे कवर होने के बाद एक और गलती क्या आती है, मैंने इसकी शूज़ चेक किए तो इसकी शूज़ की सोल खत्म हो चुकी थी, जिसे हम बोलते हैं ग्रिप, जिसे हम बोलते हैं रबर। एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, जैसे सोल है, ठीक है, ये घिस जाती है ना, जब ये देखना कितना दब रहा है, ये शूज़ कितना दब रहा है, ये देखना, ये ग्रिप देखो, अगर ये घिस जाएगी तो आपके यार पैरों में दर्द बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपके पैर स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पैरों में स्ट्रेंथ नहीं है, तो शूज़ चेंज कर दो। पैरों में दर्द होता है, शूज़ चेंज कर दो। आपको ऐसा लगता है शूज़ बहुत हैवी है, शूज़ चेंज कर दो। ये 3-4 चीज़ें, इन चीज़ों पर ध्यान देना, शूज़ चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पे एक और गलती क्या है, अब ठंड का मौसम भी चल रहा है और एकदम गर्मी भी आएगी, तो क्या दिक्कत है, क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई गर्मी आ रही है तो कपड़े उतार के अपने रनिंग करने लग जाते हैं। क्या करो, अपने कपड़े पहन के रखो भाई, पसीना आ रहा है, स्वेट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दो, तुम्हारा क्या घिस रहा है, वर्कआउट ही तो हो रहा है, पसीना ही तो निकल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मर तो नहीं रहे ना तुम। तो ये ध्यान रखो कि भाई पसीना आ रहा है तो आने दो, पर जैकेट वगैरह, टी शर्ट वगैरह मत उतारो। पर हाँ, रेपिटेशन लगा रहे हो, ड्रिल्स कर रहे हो, उस टाइम आप थोड़े से कपड़े उतार सकते हो, पर सारे नहीं, आपको कपड़े पैर के रखने। देखेंगे, मैं देखता हूँ अधिकतर अकेडमी में भी ठंड में ना वो वर्कआउट कराते रहते हैं पूरे नंगे करके, वो सबसे बड़ी गलती है, वो अपनी वीडियो के लिए बस काम करते हैं और बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करते रहते हैं। इन चीज़ों पर ध्यान दो। अब यहीं पे ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को ये लगती है, जो इसने भी करी थी, वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद विदाउट एक्सरसाइज घर जाना है, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज ना करना। अब देखो ये चीज़ें क्या क्यों इंपॉर्टेंट होती है, वर्कआउट से पहले अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मसल नहीं खुलेंगी, आप डायरेक्ट वर्क स्टार्ट करोगे तो एकदम पेन बनेगा, सिंपल सी बात तो यही है।
वर्कआउट के बाद अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो जो टाइटनेस हुई है वो रिलैक्स नहीं होगी, घर आप पेन लेके जाओगे। अधिकतर हम रनर्स क्या बोलते हैं कि जो पेन हमने लिया है वर्कआउट में उसे ग्राउंड पे ही छोड़ के जाना, उसका मतलब क्या है, डेली एक्सरसाइज करना, डेली स्ट्रेचिंग करना। नहीं करोगे प्रॉब्लम आने ही वाली है, इस चीज़ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे ना ये गलती कवर होने के बाद ना एक और सबसे बड़ी गलती मेरे को क्या लगती है, रेस्ट। ठीक है, अधिकतर हम स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं, जो हम कभी कभार रेस्ट नहीं कर पाते थे, हम भी कभी कभार, देखो हर कोई तो पूरा प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाता, पर जिस दिन हमारा रेस्ट नहीं हो पाता था हम कहीं पार्टी में चले जाते थे, शादियों में चले जाते, जिस दिन एक दिन भी रेस्ट नहीं हो पाता था अगले दिन इतना आलस रहता था, ऐसा लगता था वर्कआउट ही नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ पर ध्यान दो, अगर रेस्ट नहीं करोगे तो मसल रिकवर नहीं होगी। एक चीज़ बताओ, गाड़ी जब गर्म हो जाती है तो उसको रेस्ट देते हो ना, उसकी गाड़ी का गर्म होने का मतलब क्या है, उसका इंजन में गर्माहट आ गई है, वो फूकने वाला है, उसे रोक लो, थोड़ी देर शांत करो, उसे ठंडा करो। ऐसी बॉडी का होता है, जब बॉडी में मसल टूटने लग जाती है तो उसे रेस्ट दो, रेस्ट नहीं दोगे तो मसल टूटती चले जाएगी और रिपेयर होगी नहीं और तुम्हारा टाइम बढ़ जाएगा और मसल टूट जाएगी, इंजरी हो जाएगी, पेन बनेगा, यही दिक्कत आने वाली है बस। अब देखो जो यहां तक ये वीडियो देख गया और इन चीजों को समझ गया ना, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाएगा। ध्यान रखना ये पॉइंट जितने भी है ना, इन चीज़ों पे ध्यान देना, ये डिटेल में इन चीज़ों के बारे में कोई नहीं समझाएगा आपको, स्पेशली वो एक एक वीडियो बनाते हैं इन चीज़ के ऊपर, पर मैंने इसी वीडियो में ये सब चीज़ कवर कर दिया सारी चीज़। और ये पेन जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा, पेन वगैरह सब निकल जाएगा। अगर आपको पेन वगैरह होता था, आइसिंग और गर्म पानी से सेक, ठीक है, और क्या बोलते हैं, हीट करो पैर को, हीट जैसे वो लगा दिया, आइडेक्स लगा लिया, एक वो आता है केसरी मलम आता है देसी, उसे यूज़ कर लिया, ठीक है, बादाम का दूध पी लिया, ये चीज़ें नहीं करोगे यार कैसे इंप्रूवमेंट आएगा। तो वही वाली बात करते हो सभी के सभी कि स्कूल में एडमिशन भी नहीं लेना और मेरे को क्लास भी पास करनी है, ऐसा कैसे हो सकता है। वर्कआउट करोगे तो अच्छे से न्यूट्रिशन मिलोगे, अच्छे से न्यूट्रिशन मिलोगे तो एक्सरसाइज भी करोगे। ध्यान रखना सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना। इस वीडियो में इतना ही है, जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ समझ आएगा, लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और हाँ ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसा लगा और कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा और तुम क्या गलती कर रहे थे अभी तक। जय हिंद।